नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म की यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिसी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती मौजूद है हमारे खेत पे, राजेश कुमार जी, आप सभी लोग इनको जानते हैं। तो आज इन्हीं से सुनेंगे कि हमारे खेत पर आके इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये खुद खेती कर रहे हैं 2017 से। और अब इनसे ही पूछते हैं कि कैसा उनको फील हुआ और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक 3 साल से खुद खेती कर रहे हैं। तो सर प्लीज़। थैंक यू संकल्प जी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप मान गए कि मैं आपके फार्म पे आ जाऊँ। बहुत दिनों से इनफैक्ट आपका वीडियोस मैं देख रहा था, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। और जैसा मैंने कहा है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको खेती में कई बार कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन आपने उस चीज़ को इतना सहज और सरल हम लोगों के लिए बनाया है कि ऐसा लगता है कि इसको अगर 8 साल का बच्चा भी हो तो वो भी खेती कर सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग हम लोगों के लिए, इस कम्युनिटी, मैं तो कम्युनिटी ही बोलूँगा, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। कृषि प्रधान देश है लेकिन हम लोग को प्रधानाचार्य की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक प्रधानाचार्य बन रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, किस तरह से रो बेड्स की तैयारी की जाती है, किस तरह मल्चिंग की जाती है, किस तरह वापसा क्रिएट किया जाता है, किस तरह से कीटों का इन सारी चीज़ों का एक आप कैसे ख्याल रखते हैं, उसका क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं। और मैं वो यहाँ से सीख करके जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने खेत में पता है लेकिन शायद या तो झिझक होती है या कम जानकारी के कारण हम लोग फंस जाते हैं। तो आपसे जानकारी, जैसे एक सिंपल सी जानकारी आपसे मिली मुझे कि धान की पावली का भी आप मल्चिंग वो बना सकते हैं, किसी ने हमें कार्बन नाइट्रोजन में कंफ्यूज कर दिया था। तो मैं अब डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करने वाला हूँ। और एंड आई थिंक कि मतलब हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे जैसे मतलब ये जनरेशन के लोग जितना आगे आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमसे पहले खेती से जुड़ेगी, जो हमारी इच्छा है, मतलब मेरी इच्छा यही है। और राजेश जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद धान की फसल में सीवियर टेक्निक से सब सॉइल का उपयोग किया था। तो उन्हीं से सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और फिर मैं उसमें भी आगे कुछ जोड़ना चाहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अजूबा था। इनफैक्ट जब पता चला कि पत्ते जो हैं थोड़े पीले हो रहे हैं तो मैंने इमीडिएटली वो सीवियर मेथड से वहाँ पे मिट्टी पानी दिलवाया था धान पे। और 2-3 दिन के अंदर हमारे जो किसान भाई साथ में काम कर रहे हैं उनका मुझे संदेश आया कि ना सिर्फ पत्ते हरे हुए हैं बल्कि ग्रोथ जो है वो 1/2 इंच ऊपर दिख रही है और कमाल की उपज हुई है अभी। मतलब कुछ पोहा का भी धान मैंने जब तैयार किया था और जो पोहा तैयार किया तो अब जो खास करके फिल्मी दुनिया के जो दोस्त हैं हमारे उनके घर पे भिजवाया है तो उन्होंने कहा कि ये अलग है। तो अब हम हैं वही बट कोशिश अलग कर रहे हैं। इवन सीवियर टेक्निक में क्या होता है कि लोग को विश्वास ही नहीं होता है कि मिट्टी की स्प्रे से आप अपने फसलों में कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं और उसको कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार आप खुद प्रयोग करके देखें। Seeing is believing. Seeing is believing and experience को आप ज़रूर शेयर करें because right. यही चीज़ मैंने अपने खेत पर देखा है और मैंने आपके माध्यम से ही सीवियर मेथड को जाना था, जो कि उनको पद्मश्री भी मिला है और उन्होंने अपने जीवन के 20 साल इस पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्यता तो है ही। आसान चीज़ों को हम लोग हमेशा मतलब संकल्प जी ऐसा लगता है कि आसानी से नहीं लेते हैं। थोड़ा अपने लिए गुत्थम गुत्थी बना देते हैं बट आई थिंक कि जितना इसको सहज और सरल रखें, प्रकृति जितनी सहज और सरल है उतनी ही खेती भी है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जैसे लोग इस खेती में आकर के एक पहल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों। एक दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम खास करके मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक तरह का एक ऑर्गेनिक हब खोला जाए,
जहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश के उगाए हुए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं या नेचुरल प्रोडक्ट हैं उसको शोकेस किया जाए और मिडिल क्लास फैमिली ऑर्गेनिक को ख़रीदने के लिए तत्पर हो, क्योंकि उसमें प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है जिसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, सो दैट इट रीचेस दी साइड, बिकॉज लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे हैं, आउट ऑफ रीच हैं। एग्जैक्टली, जबकि वो अगर मिडिलमैन को हम हटा दें बीच में से और नेचुरल प्रोड्यूस हम अपने कंज्यूमर्स को दें तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और बहुत अच्छे, और मतलब आपको प्राइस कम करने की बात नहीं है कि केमिकल से आप प्राइस कम करें, केमिकल से डेफिनेटली लेबर इंटेंस ज़्यादा होता है, मेहनत मजदूरी ज़्यादा होती है, तो इसको थोड़ा सा प्राइसिंग आप हल्का अप रखें ताकि एक आम आदमी अगर वो 20,000-25,000 की सैलरी करता है, अगर 2,500-3,000 रुपये महीने में वो सब्जी पे खर्च कर रहा है तो उसमें वो नेचुरल खाए, उस 2,500 में केमिकल खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज वो 2,500 का केमिकल खाएगा, 50 साल के बाद वो 2,50,000 रुपये हॉस्पिटल को देगा, तो इससे अच्छा है कि 500 रुपये एक्स्ट्रा किसान को अभी दे दो यार। सही बात है। मुंबई के पास भी खेती कर रहा हूँ, बिहार में भी खेती कर रहा हूँ। बिहार में अभी हम लोग इन कन्वर्जन है, ऑर्गेनिक से अब नेचुरल की तरफ हैं, तो पहले केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ थे, अब ऑर्गेनिक से नेचुरल की तरफ हैं। और रही बात यहाँ की अपने मुंबई की, तो यहाँ कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं जहाँ पर सब्जी भी है और साथ में मोरिंगा ड्रमस्टिक की फार्मिंग भी हम लोग कर रहे हैं। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 एकड़ के आसपास मोरिंगा है और 8-10 एकड़ सब्जी पर हम लोग काम कर रहे हैं, प्लस कम्युनिटी फार्मिंग का भी आइडिया चल रहा है। okay. कि लोगों को 1500 स्क्वायर फीट एक ज़मीन दी है, उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड हम सब्जी उगा रहे हैं और उसके अलावा 15 तरह की सब्जियां हम उगा रहे हैं, तो एक बास्केट बना के हफ्ते में 20 सब्जियों का लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं 2 बार। तो ये एक मुझे लग रहा था कि ये पर्टिकुलर पहल जो है ये हर जगह किया जा सकता है। अगर जैसे अभी आप विदिशा में हैं, भोपाल के पास हैं, भोपाल में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी तमन्ना होगी कि फार्म हाउस हो बट नहीं हो पाता है, तो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू कैन लीज अ पोर्शन ऑफ लैंड। आप एक पर्टिकुलर ज़मीन किराए पे लोगों को जो शहर में रहने दीजिए, उनके हिसाब से कस्टमाइज सब्जी उगा दीजिए। आई थिंक ये अब हम लोग को नेचुरल सिर्फ उगाना ही नहीं है बट अब लोगों तक नेचुरल पहुँचाना भी है। तो CVR टेक्निक का जहाँ की बात जहाँ तक है, तो धान में मैंने इनफैक्ट आपके वीडियो से ही CVR टेक्निक के बारे में पता चला था और फिर वहाँ से मैं फिर और भी मैंने सर्च किया और पता किया, तो वो मैंने धान के ऊपर किया था। इनफैक्ट जो किसान जिनको वहाँ रख थे, जो खेत पे थे, तो उनका रिपोर्ट आया था कि पत्ते थोड़े से पीले हो रहे हैं धान के, तो मैंने कहा था एक बार CVR यूज़ शुरू करो। 2 दिन के बाद फिर उनका आया कि लगभग 1/2 इंच का ग्रोथ हो गया था। और CVR मैंने फिर 4 बार डलवाया। अच्छा। उस पूरे बिकॉज 120 दिन का धान था, तो 4 बार CVR करवाया और लगभग मुझे लगता है कि 4.5-5 फीट तक लेंथ थी उसकी। CVR जी ने, उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। उसके बाद भी अगर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो अब ये अब नहीं समझ में आ रहा है कि और कैसे समझाया जाए, क्योंकि क्या है ना, लोग खेती को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि अगर इतना सिंपल तरीका देखता है तो उनको लगता है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो वही बोल रहा था ना कि कुछ भी उपजाना हो, चाहे प्रकृति में चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, विधि एक है और सरल है, चाहे वो कीड़ों का हो या पुरुष का, मतलब मनुष्य का हो, पेड़ पौधों का, विधि एक ही है, उसको जितना सहज और सरल रखिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी को कि कॉम्प्लिकेट ना करें खेती को, बहुत ज्यादा किताबें ना पढ़ें, उससे बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं। खेत में आकर के खेती की बात करें। ये इससे अच्छा इनफैक्ट मतलब खुशी इस बात की हुई कि थोड़ा मैं भी कॉम्प्लिकेट हो रहा था बिकॉज मैं सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ये सारा प्लानिंग में था इस साल, तो आपने उस चीज़ को कंपनसेट कर दिया मेरे लिए। क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं और उसमें जो जानकारियां मिलती हैं वो बहुत सहज हैं, सरल हैं। आई थिंक इट्स विजडम इसी चीज़ में होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सहजता और सरलता से बता दें, तो वो आपके वीडियो में जो दिखता है, और इसी वजह से मैं तो बस अपने सर विदिशा आना हो गया।
कि मैं, मेरी तमन्ना थी कि मतलब मुझे पहुंच रहा है, नंबर ही नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर मैंने बोला यार इनका नंबर चाहिए तो और कहाँ से मिलेगा, तो पता चला कि अच्छा फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, मैसेंजर भी यूज कर सकते हैं। तो एंड थैंकफुली यू कॉल्ड, इमीडिएटली आपने रिप्लाई किया, सो देखिए इमीडिएटली आ भी गए। मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके सच में। अब इसको बहुत आगे लेके जाना है, इनफैक्ट लोग आपके कार्य से तो प्रोत्साहित हो ही रहे हैं, बट इसको नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस में लाना आई नो कि बहुत मुश्किल होता है, बट वही लगता है संकल्प जी की मतलब चीज़ के होने और नहीं होने में करने का फ़र्क है, तो करना ज़रूरी है तब हो जाएगा। मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो बाकी लोग ना करें, बस वही एक मेरा मोटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज कि जब आप शुरू में शुरू करते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और इतना क्यूरियसिटी रहता है शुरू में कि आप जैसे बोला ना कि ये भी कर लें वो भी कर लें। हाँ, मैं तो आपको कह ही रहा था कि एक इस तरह का आइडिया आप ज़रूर लेके आइए कि लोगों तक सब्जियाँ कैसे पहुँचें, और ख़ास करके नेचुरल फार्मिंग का अगर आप कहेंगे तो मैं खुद आ करके भोपाल के लोगों से बात कर लूँगा खड़े होकर के, भाई सब्जी खरीद लो क्योंकि मैं अपने बच्चों के स्कूल में टेबल लगा करके सब्जी बेचता हूँ खुद खड़े होकर के, तो मुझे इसमें ना इनफैक्ट किसी भी चीज़ में ऐसा फील नहीं होता है कि मैं कोई एक बड़ी अच्छी लाइन इनफैक्ट ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने कही थी कि अगर आप, वो जब योगा सिखा रहे थे तब की बात थी, कि आपकी लाइफ जो है ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बन जाएगी, तो 21 दिन के बाद योग करने के बाद लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं आपने लाइन गलत पढ़ी, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ आपकी ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगी तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहे हैं फिलहाल